ये दोस्तों, ये देखिए, ये हमारी गौ माता, इनका नाम है माही। क्यों वहाँ से निकल रहे हो? हाँ, ये हमारी माही है। माही ये देखिए, अभी अंदर से खाएगी। नीम खाया, नीम के पत्ते खाए इसने, है ना? किसकी याद आ रही है? बंसी है हमारा अंदर। बंसी से हम मिलने जाएंगे। जैसे ही माही हमें रास्ता दे दे तो हम चले भी जाए। हम जाए माँ जाए तो हमारे जाने दे, जाने दे। देखो, हमको जाने नहीं दे रही है। हमको अंदर जाना है, बंसी से मिलने। बंसी इनका बच्चा है। अच्छा, उनका दूध पीने का टाइम हो गया है बंसी का, इसीलिए बंसी के सामने देख रही है। बंसी की वेट करके, बंसी अभी हम बंसी को खोलेंगे थोड़ी देर खेलने के लिए। तब तक आओ, मैं आपको दूसरी माता से मिलाता हूँ। ये रहे हमारे सूर्या भैया। नंदी महाराज है कहने में, पर देखो कितने शांत है। ये नंदी महाराज है हमारे, और ये एक साल के है। एक साल और दो तीन महीना इनको हुआ है बस। और ये यहाँ बस मस्त से ऐसे हड़ी खम रहते हैं, इनको मजा आती है। हाँ, जमुना बा, ये हमारी जमुना बा है। ये देखिए दोस्तों, ये देखो, अभी जस्ट जमुना बा ने ये फ्रेश गोबर दिया है। ये फ्रेश गोबर से ही हम हमारी धूप बत्ती की जो प्रोडक्ट है डॉक्टर मदर ब्रांड के नाम से, वो यही गोबर से बनाते हैं। ये गोबर से, और ये गोबर मतलब दोस्तों एकदम साइंटिफिकली मिरेकल। हर रेमेडी है इसमें। आप हवा के लिए बोलो, अपनी ज़मीन के लिए, धरती माता के लिए बोलो, या आपकी बॉडी के लिए बोलो, हर चीज़ की दवाई इसमें है। मेडिकली और साइंटिफिकली प्रूव्ड है। अभी जैसे मेरे हाथ में गोबर लग रहा है तो लोगों को लगेगा ये क्या है। अगर हमारे मेट्रो सिटी जैसे मैं मुंबई में किसी को दिखा दूँ तो बोलेंगे यक, पर एक्चुअली में ये दवाई है दोस्तों। अब मुझे स्किन डिजीज कभी नहीं होता है। कितने ही मैं मंगल वालों को टच करता हूँ ना, तो भी मुझे कुछ नहीं होता है। ये सबसे बड़ा पावर है, क्योंकि क्या है, हम सिटी में हैंडशेक करते ये करते, और आजकल बहुत ही फंगल घादर ये सब चीज़ें, बीमारियाँ बहुत फी स्किन डिजीज फैल रहे हैं टचिंग से ही। तो मैं तो इससे नहाता हूँ, मैं साबुन भी यूज़ नहीं करता हूँ, इसी से नहाता हूँ ताकि मैं एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल रह पाऊँ। इसीलिए आपको कभी भी ये नहीं सोचना है। आइए, ये देखिए, ये हमारी भाग्यश्री माता है। इनका नाम है भाग्यश्री माता, समझे ना? हाँ। और ये माता है, इसका जो सूर्या नंदी से मिले थे वो इन्हीं का बेटा है। एक साल पहले इन्होंने सूर्या को जन्म दिया है। ये देखो कितना प्यार करती है। और लोग बोलते हैं गाय मारती है, मारती इन लोगों को है जो उनको प्यार नहीं करते। यहाँ किसी को ऐसा नहीं करती। और ये पूरा उनका गौचर है दोस्तों। ये अभी शाम को जाएगी चरने, अभी तक गई नहीं है ना अंदर। यहाँ गई है, अभी तक गई नहीं है घूमने। ये पूरा उनका गौचर है जहाँ वो खुले मन से चरती है, पूरे सुबह शाम यहाँ चरती है। क्योंकि हम उनको कभी बांधते नहीं है दोस्तों, हम उनको बांध के भी नहीं रखते। वो पूरा जब मर्जी चाहे यहाँ आके चरती है। उनको हरा घास, अलग अलग तरह के उनके देसी घास जो है वो सब मिल जाते हैं। और हम उनको वहाँ तो खाना अलग से देते ही है। उनको सूखा चारा होता है, उनका हरा चारा होता है, वो सब देते हैं। पर यहाँ पे क्या होता है, वो जैसे जितना वो मूव करेगी, जितना वो चलेगी, उतनी उनकी हेल्थ अच्छी होगी। जितनी उनकी हेल्थ अच्छी होगी उतना ही वो अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे गौमूत्र और गोबर में। अगर उनको हम बंधे रखेंगे ना तो वो चाके भी हमें मेडिसिनल पावर नहीं दे सकती। इसीलिए उनको सोलर एनर्जी लेनी ज़रूरी है। उनके जो खूंद होती है, हम पोता है, वहाँ पे सोलर एनर्जी आनी ज़रूरी है। प्लस जो भी वो खाते हैं तो उसके लिए चलना ज़रूरी है।
एक गौ माता को दिन में कम से कम 3 से 5 किलोमीटर तो कम से कम चलना है, तो यहाँ पूरे दिन चलती है और चलती है। दे बिकम सो हेल्दी। और ये धूप बत्ती आप लोगे ना, वो धूप बत्ती में आपको उसका रिजल्ट एक बार आप यूज़ करोगे ना, अगरबत्ती के बदले इसको यूज़ करोगे तब आपको पता चलेगा कि इनका रिजल्ट क्या है। इसीलिए हमको सीखने मिलता है रोज़ नया और आपके साथ शेयर करने का मौका मिलता है इस व्लॉग चैनल के ज़रिए। और इसी तरह ये व्लॉग के साथ जुड़े रहिए। मैं थोड़ी देर में आपको बंसी से मिलाने जा रहा हूँ, तब तक के लिए बाय। इनको बांध के इसलिए रखा है, इनका वैक्सीनेशन चल रहा है, नहीं तो ये हाथ में नहीं आती। वैक्सीनेशन ख़त्म हो जाएगा फिर ये घूमेंगे। ये घोड़े से भी तेज़ दौड़ती है दोस्तों। और ये गिर प्रजाति है, जो गिर फॉरेस्ट हम सुनते हैं ना, वो तो गिर फॉरेस्ट की प्रजाति है। और ये हमारे पास किस लिए आए, क्योंकि ये जहाँ पे थे जिस मालिक के पास थे, हम तो इनके मालिक नहीं हैं, हम तो बेटे हैं, पर जिस मालिक बोलता था ये प्रेग्नेंट नहीं होती है मेरे क्या काम की, पर ये नहीं समझ पाया माता तो माता होती है भाई, वो तो प्रेगनेंसी और दूध से क्या लेना देना है। और बस तब से हमारे यहाँ है और मस्ती से रह रही है और मज़े से अपना जीवन व्यतीत कर रही है, खुले में चल रही है और हमको ढेर सारे आशीर्वाद दे रही है। देखिए कितना प्यार करती है, ऐसे गैया को कोई छोड़ देता है। और ये ओरिजिनल गिर की प्रजाति है, ओरिजिनल गिर की प्रजाति में बहुत ही कम देखने मिलता है। ये देखिए ये जो इतना लंप है उनका, हम्प है उनका, ये जो सिंह है, ये कान का जो स्ट्रक्चर है, ये सब ओरिजिनल गिर का प्रजाति का है। आपको भी छोड़ेंगे, हाँ छोड़ेंगे मियाँ। चलिए अभी देखो वो हमारा रास्ता रोक के बैठे हैं और मुझे पता है तुमको बाहर घूमने जाना है, एक वैक्सीन हो जाएगी फिर छोड़ देंगे। तो दोस्तों एक वैक्सीन हो जाएगी फिर इसको छोड़ देंगे और इसकी रनिंग दिखाऊंगा मैं कभी आपको, जबरदस्त मजा आ जाएगा। इतना घोड़े के जैसा दौड़ती है ये और जंप भी लगाती है, जंप इसे। आओ मैं जाऊं, ये हमारी सीनियर माता है, इनको परेशान नहीं करने का। और ये हमारा बंसी, ओ नक्षत्र बंसी तू आ जा, कहाँ भाग के जा रहा है तू। ओ हो, बंसी चल तेरे को दूध पीने जाना है इसको, हैं? अभी इसका दूध पीने का टाइम थोड़ा टाइम है, हैं? अभी इसका दूध पीने का है ना थोड़ा टाइम है, छोड़ दे। हाँ इसको है ना दूध पीना है, और देखो वेट कर रही है माही, माही वहाँ वेट कर रही है, अभी अंदर आ जाएगी हाँ। और ये इसको बाहर जाना है क्योंकि उसका दूध पीना है उसकी मैया का। क्या है हम दूध सेल करते नहीं हैं, दूध बेचते भी नहीं हैं, सब इन्हीं लोगों के लिए है, पर दो टाइम इनका एक रेगुलर डिसिप्लिन के लिए, नहीं तो है ना इतना पीछे पड़े रहते माता के, तो माता को परेशान करते हैं छोटे बच्चे। अभी आधे घंटे बाद तुम्हें जाने मिलेगा, फिर आपको भी दिखाऊंगा कितना फटाफट 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 बंसी दूध पी रहा है मस्त। ए बंसी देख बुला रहे लोग, सुबह मिलने आया था तो सबको क्या बोल रहा था, जय भोलेनाथ। ये देखो ये कौन है, ये हमारे बड़े बंसी कुणाल, ये भी इतने इसके जितना ही मस्ती खोर है, जितना ये बंसी मस्ती खोर है उससे ज़्यादा ये कुणाल बंसी मस्ती खोर है। और एक छोटा है शिवांश, कभी मैं दिखाऊंगा दूसरे वीडियो में, बॉम्बे में है घर पे, वो भी इसके जैसा ही मस्ती खोर है। सब ये सब एक ही लोग हैं, सब हमारे नंदी लोग हैं। इधर इधर देखो, इधर तुमको लोग यूट्यूब में देख रहे हैं बंसी, समझे? और उन लोगों को बताओ तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, कितनी मस्ती करते हो, उनको बताओ बताओ मैं बहुत मस्ती करता हूँ यहाँ। ये देखो मैं, मुझे ये सब करते हैं ना तो भी लोग मज़ा आता है मुझे तो, इसको है ना ऐसे ऐसे हाथ घुमाते हैं तो बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। देखो
ये इसका फेवरेट है, फेवरेट फेवरेट फेवरेट। अभी इसको छोड़ेंगे थोड़ी देर के बाद, फिर उसकी भी रनिंग दिखाएंगे आपको, इसकी नटखटपन दिखाता। तो जब दूध पिएगा, दूध पीने के बाद जब ना ताकत आ जाती है, फुल कैल्शियम आ जाता है ना, फिर तो उछल उछल के जब मस्ती करेगा आपको मज़ा आ जाएगा देख के। चलो थोड़ी देर मजा करो, थोड़ी देर में हम मिलते हैं इसकी मस्ती के साथ। तो आपको लग रहा होगा कि किस लिए है, एक्चुअली में ये जो निकल वहाँ दिखाते हैं, ये देखो कितना अच्छा फर्श बनाया है। ये फर्श के ऊपर पूरा प्लास्टर होगा, पूरा ये होगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा। ये पुराना साल का है, अभी ये दिवाली आई है तो उसको बा हमारे रिन्यू कर रहे हैं। ये रहे लगे बा, ये पूरा ये पूरी मेहनत करके बा और हमारी बहन जी है वो पूरा मेहनत करके हर बार ये फर्श बनाते हैं। और ये फर्श बनाने का दोस्तों मैं लॉजिक बताऊँ, ये साइंटिफिक रीज़न है। और ऐसे बेवकूफ़ नहीं थे हमारे पुराने लोग, और ये साइंस ने भी प्रूव कर दिया कि इस पर रहने वाले लोगों को कैंसर, टीबी, अस्थमा, ये सब बीमारी कभी नहीं होती, क्योंकि इसमें ही हमें ट्रीटमेंट मिलती रहती है। हमारे सांसों में जाता है, हमारे टचिंग में रहता है। तो ये सब चीज़ें तो हम भूल गए हैं, हम तो नहीं भूल गए, हमने तो यहाँ शुरू कर दिया है बहुत अच्छे से। हम ये परंपरा हमारी जो है उसको जब हम इतना अच्छे से कर सकते हैं, कोई कठिनाइयाँ नहीं है, तो फिर करना ही चाहिए। अब आपको मैं पूरा जिस दिन हो जाएगा उस दिन हम पूरा बताएंगे आपको कि कैसा बन गया है। और इस पर आप एक बार बैठ भी देंगे ना, इसका गूगल का लोकेशन भी मैं शेयर करूंगा ये वीडियो में, एक बार यहाँ आएंगे विजिट करिए, यहाँ का माहौल का एक्सपीरियंस करिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। और वो देखो बंसी, उसको तो वीडियो में आना है, बस मस्ती कर रहा है। क्या सुन रहा है तू इधर, देखो 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 ये हो गया।